साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि पंडित वरुण गौतम जी बहुत कहना चाहिए पार्टी के वफादार साथी हैं और बड़े जिंदा दिली के साथ में पार्टी के संग में पूर्व से ही रहते चले आ रहे हैं। साथियों, वो भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कैंडिडेट, वो भी ब्राह्मण शिरोमणि परिवार से जुए परम आदरणीय विनोद उपाध्याय जी की पत्नी इनके सामने खड़ी थी और उनको शिकस्त देने के बाद में आप जिला पंचायत के सदस्य जुए बने। साथियों, ये बहुत छोटी बात नहीं है। सम्मान साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अगर 5 कदम नहीं चलना चाहते पार्टी के संग में, तो आप जो है ये उम्मीद करके पार्टी के साथ में काम नहीं करिए कि हमें 5 कदम पीछे जाना है। सम्मानित साथियों, जब पार्टी आपको साथ लेकर के चलना चाहती है, आप पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, तो आगे चलने की बात करिए, पीछे जाने की बात नहीं करिए। साथियों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सम्मानित साथियों, मौसम परिवर्तनशील है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। साथियों, कभी ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कमजोर लोगों को लगती है, मगर ऐसा नहीं है। साथियों, राजनीतिक परिवेश में ये वोट की राजनीति होती है, ये मुद्दों के आधार पर होती है, और कभी कभी बिना मुद्दे ऐसे चल जाते हैं कि वो लोग सफल हो जाते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती, और वो ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं और हमारे वामसेव के अध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल सिंह जी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की मीटिंग में शामिल होने के लिए लखनऊ गए थे। साथियों, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खास करके जो हमारे नगर निकाय की जो सीटें हैं सम्मानित साथियों, उनको जीतना बहुत ही आवश्यक है। जो हमारी नगर निकाय में जो पार्षद और सभासद की सीटें हैं, उनको भी हमारा जीतना जो है बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जो है जीतना चाहते हैं साथियों, और सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, चाहे वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण, ब्राह्मण से लेकर के मुस्लिम तक, सबको हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं खास करके मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप कंधे से कंधा मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। सम्मानित साथियों, आपकी छोटी सी भूल के कारण आपने तहे दिल से आदरणीय मुलायम सिंह जी का संग दिया, मगर आप महसूस कर रहे होंगे कि अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी को काफ़ी वोट किया, और वोट करने के बाद भी वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो सम्मानित साथियों, कि मुझे नहीं लगता कि आगामी वर्षों में कि कभी वो सत्ता में आ पाएंगे। अगर आपने अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिला दिया होता, तो मैं समझता हूँ सम्मानित साथियों, इस सूबे में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती और आपकी जो है हर बात सुनी जा रही होती। साथियों, मैं ये कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी को गुमराह नहीं करती हैं। सम्मानित साथियों, वो समाज को जोड़ना जानती हैं, समाज में कार्य करना जानती हैं, समाज को सम्मान देना जानती हैं। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे हाथरस में 3 नगर पालिका हैं जनपद में, और 6 हमारी नगर पंचायत हैं। सम्मानित साथियों, आरक्षण के अनुसार टिकटों का बंटवारा होगा, आरक्षण के अनुसार बिरादरियों का, समुदायों का और धर्म का समायोजन करके हम जो टिकट का वितरण करेंगे। सम्मानित साथियों, और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खास करके हम ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जो वास्तव में जीत करके आए, जो है सारा काम जो पूर्व में करते आए हैं लोग, वो काम नहीं होगा। साथियों,
कोई आदमी ये चाहता हो कि हम पैसे के बलबूते पे टिकट ले लेंगे तो सम्मानित साथियों को मेरे रहते हुए ये संभव नहीं है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जो आदमी जीत के लिए दृढ़ निश्चय होकर के हमारे लोगों को सम्मान देने के लिए हमारे लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए पार्टी में काम करने का विश्वास दिला करके जो टिकट लेना चाहते हैं साथियों, वो लोग उन्हीं को हम जिताने का काम करेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आप जिताने का काम करें। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में मीटिंग करने के लिए, लखनऊ ले जाने के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए एक एक कैंडिडेट को गुमराह करके ये कह दिया जाता है कि आप MLA के प्रत्याशी हो, आप नगर पालिका के प्रत्याशी हो, 100-100 बस लेकर के लखनऊ जाना है। सम्मानित साथियों, 100-100 बस अगर ले जाने की बात नहीं है, कम से कम स्थानीय लेवल पे जो भी मीटिंग होती है और वो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे पीछे हजारों की तादाद में लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, मुझे तो लग रहा नहीं है। सम्मानित साथियों, अकेले अकेले आकर के अभी मुझे बताया कि 15-16 यहाँ पे जो है सैपऊ और सादाबाद से हमारे जो है सभासद के जो प्रत्याशी हैं वो आए हैं, वो अकेले अकेले आए हैं। सम्मानित साथियों, क्या अकेले ही अकेले आप जो मोहल्लों में वोट मांगते हुए घूमेंगे, आपको अकेले ही अकेले मतलब किस तरीके से जीत मिल जाएगी कि आपके साथ में 4-4, 5-5, 10-10 लोग नहीं हैं। अगर 10-10 लोग आए हुए होते तो मैं समझता हूँ कि त्यौहार भी कुछ भी नहीं और इस समय जो है चुनावी मुद्दा चल रहा है तो इतनी सीटें कोई ज़्यादा नहीं है, ये भी भर जाती हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लोग दूसरी पार्टियों के लोग गुमराह करके वोट लेते हैं, हमारी पार्टी गुमराह करके वोट नहीं लेती है। सम्मान्य साथियों, 22 मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग कड़ी मेहनत करें जिससे कि जीत, जैसा कि हमारे भाई पंडित वरुण गौतम ने कहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीत के लिए लड़ूंगा, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी मेरे अलावा, अगर मुझे भी नहीं मिलती है टिकट, और कहना चाहिए आरक्षण के हिसाब से जिसको भी टिकट मिलती है मैं उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहूंगा जो है और चुनाव लड़ाऊंगा। जैसा कि हमारे भगवान सिंह भाई हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती आरक्षण के हिसाब से तो वो भी कंधे से कंधा मिला करके जो है दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। साथियों, मेरा सभी से आग्रह है पार्टी को मजबूत करने के लिए, साथियों जो भी हमारे चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे महासचिव हैं, मेरे को और भी हमारे पार्टी के साथी हैं, सम्मान्य साथियों, वो अपने नाम लिखा दें कि हम चुनाव इस सीट से लड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जीत के लिए चुनाव लड़िए साथियों, जीत के लिए चुनाव लड़िए। जीत अगर आप जाएंगे तो अपने क्षेत्र का विकास करा लेंगे, आप अकेले अकेले अपने क्षेत्र में घूमते रहेंगे ना तो आप जीतेंगे ना आपके क्षेत्र का विकास होगा। साथियों, जैसा कि बहन जी का निर्देश है कि जीतने वाले कैंडिडेट को जिसकी छवि अच्छी हो, पैसे का कोई मुद्दा नहीं है, जिसकी छवि अच्छी हो उसको पार्टी जिताने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, आगामी जो भी मीटिंग हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारने का कष्ट करेंगे। सम्मान्य साथियों, इस मौके पे आज आप दीपावली का त्यौहार है, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सभी को धन्यवाद दूंगा और अपनी वाणी को विराम करूंगा।